आधार का कोई मैसेज मत दिखाता। क्या है? कोई भी रील बना दे रहा है कि मैंने विराट कोहली को बोला कि भाई मैं तुझसे ज्यादा फेमस हूँ, मैं तुझसे ज्यादा कमाता हूँ। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode guys and to the last episode of the modification series guys. Finally अपनी सुपरा हो चुकी है modify and हम लोग निकल रहे हैं यमुनानगर से वापस अपने घर के लिए। Finally सारा काम हो गया guys. The project started 6 months back और आज इस project की completion date है guys. I'm really happy कि सब कुछ आराम से हो गया, बस अब सुपरा को घर पहुँचाने का काम बच चुका है guys. सब लोग हो चुके तैयार guys. All thanks to our boys जिन्होंने हमारा ध्यान रखा, थैंक यू सो मच बॉयज। यमुनानगर की बहुत ज्यादा याद आएगी, बहुत ज्यादा प्यार मिला यमुनानगर के लोगों से। इंशाल्लाह जल्दी हम लोग जल्दी यहाँ पर आएंगे मिलने के लिए सब लोगों से। बहुत सारी कम्युनिटीज से जुड़ने का मौका मिला गाइज एंड अच्छा लगता है कि लोग इतना प्यार करते हैं। फिलहाल आई थिंक इज गाइज अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सुपरा को उठाने के लिए एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर, फिर निकलेंगे हम लोग घर। सुपरा की एक्चुअली पूजा नहीं हुई थी, मैं सोच रहा था कि जब सुपरा फुल मॉडिफाई हो जाए ना तो ही हम लोग उसकी पूजा कराएंगे। सारा सामान लोड हो चुका है गाइस एंड हमारे घर के बाहर, यहाँ चेक करो कितनी, पता नहीं कैसे पता लग जाता है लोगों को कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं। हाथ देख रहे हो, ऐसा तब होता है जब आप नहाते हो बहुत देर तक पानी में। आई गेस इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं, बाकी आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ऐसे जब हाथ ऐसे जाते हैं, कॉमेंट डाउन करना बताना मेरे को। ओके बॉयज हम लोग निकल ही रहे थे और यमुनानगर से जितनी मोहब्बत और कलेशबाजी लोगों ने मचाई ना, खासकर बच्चों ने, ये चेक करो भाई अभी तक। एक चीज बताओ, घर कैसे पता लगा ये बताओ? पुलिस ने खुद बताया कि जय सिटी पे है और मेरा दोस्त जय सिटी पे रहता है, साथ ही लोग यहां कर रहे हैं, कोई यहां के ही है और मैं यमुनानगर शहर डिटेलिंग डेविल के पास से ही। बढ़िया गाइस, फिलहाल कुछ भाई लोग केक कुक लेकर आए। भाई काय का केक है? ओ भाई सुपरा का केक, भाई क्रेजी यार एकदम मस्त। क्या नाम है भाई आपका? वैभव। मस्त भाई, केक काटते फटाफट और फिर निकलेंगे। थैंक यू सो मच, रैपिंग। तो यार फाइनली हम लोग निकल चुके हैं एंड थिंग अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। एक्चुअली बटली में एक बहुत प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में दुष्यंत ने मेरे को बताया, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने कहा जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो हमारे दर्शन करने तो बनते हैं, फटाफट भगवान जी के पास चलते गाइस, माथा टेकेंगे और फिर अपनी सुपरा को पिक करके सीधा घर के लिए निकलेंगे। चलते हैं यार। तो यार हम लोग आ चुके हैं मंदिर से, ये वो पुराने एक मंदिर। मंदिर में आकर के बहुत अच्छा लगा एंड आई कांट टेल यू द वाइब जो यहाँ पर आकर के मिली है। फिलहाल अभी यहाँ से निकल रहे गाइस अपनी सुपरा के पास। सो हे मिलो जी, फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके अपनी सुपरा के पास। चेक दिस आउट, अभी हम लोग यहाँ से निकाल रहे बाहर, फटाफट भीड़ हो रही है गाइस, जल्दी जल्दी से बाहर निकालते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बॉयज हम लोग फाइनली निकल रहे हैं गांव से बाहर, इन लोगों के रिएक्शन चेक कराओ यार। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ना एक बेस्ट एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन के बारे में बता देता हूँ। यू नो द मोस्ट एक्सक्लूसिव आई गेमिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया, परिमैच गाइस। दिस इज द प्लेटफॉर्म गाइस जहाँ पर आपको ना 100+ गेम्स मिल जाएंगे। नॉट ओनली दिस गाइस, द विनर्स हियर आरंट लकी बट दे आर ट्रीटेड एज रॉयल्टी गाइस एंड जो रिवॉर्ड्स एंड पर्क्स है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है गाइस। यू नॉट ओनली गेट डिलीशियस प्रोमोज ऑफर्स क्वेस्ट बट ऑल्सो बोनसेस ऑफ द VIP प्लेयर्स फॉर प्लेइंग अंडर स्पेशल कंडीशंस। एंड इतना नहीं गाइस, परिमैच ना एक सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है तो आराम से यहाँ पर खेल सकते हैं गाइस। परिमैच पर ना आप अपनी फेवरेट टीम को भी सपोर्ट कर सकते हैं बाय प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द गेम। देरी किस बात की गाइस, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मैंने परिमैच का लिंक दे रखा होगा, जाओ जाकर के साइन अप करो गाइस। मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे गाइस, मेरे लिंक से जाकर के साइन अप करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट और बोनसेस एंड डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। तो देरी किस बात की गाइस, फटाफट परिमैच पर जाओ, साइन अप करो गाइस, बहुत सारे गेम्स खेलो एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं यमुनानगर से और ये 3-4 दिन कहां चले गए ना पता ही नहीं चला। इतना प्यार लोगों से, इतना यमुनानगर के लोगों से इतना प्यार, फिर इतनी मस्त सुपरा जो मॉडिफाई हुई है ना, मतलब आप लोगों ने तो देख ही ली होगी ब्लॉग में क्या लग रही है रोड पे चलते हुए, मतलब
हर इंसान ना गर्दन घुमा के देख रहा है कि भयंकर क्या चल रहा है। ज्यादातर गाड़ियां ना व्हाइट और ब्लैक ही होती है, बट ऑरेंज कलर क्या लग रहा है, क्या मस्त लग, मस्त लग रही है, अलग ही चमक रही है भाई रोड मतलब पे। आप लोग को ना वीडियो में जस्टिफाई नहीं कर पाया, कैमरा लाइव देखोगे ना, तुम सामने से देखोगे ना तब तुम देखोगे भयंकर क्या जा रही है ये। स्पेशली गांव दुष्यंत का, गांव दुष्यंत के घर गए हम लोग, बस इतना प्यार मिला वहाँ। अभी भी बच्चे पीछे भाग रहे थे गाड़ी के, बच्चे बड़े और शांत, इतने शांत, मतलब उन्हें पता है कि भाई गाड़ी के साथ कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, तो मतलब बहुत मजा आया। गांव किसका है, मस्त भाई रोड पे ना लगी लग रही है चलती हुई, सच्ची में बहुत भयंकर लग रही है। मैं भी एक टाइम पे चला भी लेता और देख भी लेता ऐसे, ठीक है दोनों चीजें हो तो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम जेल जाओगे। तो हम लोग जी गाइस, हम लोग फाइनली निकल चुके हैं यमुनानगर से बाहर, एंड अब जा करके हम लोग हाईवे पे चढ़ने वाले। रितिका कैसी लग रही है आपको हमारी सुपरा? बहुत ज्यादा सुंदर, एक्चुअल में अब दिख रहा है इसका कि ये क्या चीज है भाई, इतने खतरनाक रोड रिएक्शन है गाइस, इतने खतरनाक रोड रिएक्शन। पहले भी सुपरा के रोड रिएक्शन बहुत खतरनाक थे, बट अब तो एंडलेस चीजें हाईवे पे पहुंचते और तब दिखाते आपको। ओके बॉयज, हम लोग हाईवे पे रुके थे जस्ट अपनी सुपरा को चेक करने के लिए, और ये चेक करो भाई क्या मस्त, कैसे लग रहे हैं रोड रिएक्शन, किलर किलर रोड किलर, पता चल रहा है इसका। हां पीछे से पता चल रहा है इसका क्या लग रही है भाई, सच्ची में ये चेक करो, रोड पे अभी उतरी है लाइक मॉडिफिकेशन के बाद, क्या मक्खन लग रही है भाई साहब, क्या सही बन गई है और ये क्या सुंदर बन गई। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि कैसी लग रही है गाइस। फिलहाल चलते हैं हाईवे पे, ज्यादा देर नहीं रुक सकते, अंधेरा हो रहा है, रात तक घर लगानी है गाड़ी, बिकॉज एक सरप्राइज अवार्ड का सरप्राइज देता हूँ मैं आपको इस ब्लॉग में। कहाँ जा रहे हैं जी? देहरादून। गाड़ी चेक करा दो, आ जाओ। आप बैठ जाइए, किसी प्रकार का कोई नशे पत्ते का गाइस, पुलिस वाले ने गाड़ी रोक ली हमारी, जाते हुए भी चेकिंग हो रही है, भयंकर ड्रग्स लेके जा रहे हैं हम लोग, जस्ट गेटिंग बैग्स हैं। तुम मुझे लेके जा रहे हो? सर मुझे बचाओ। ये अच्छा बनाओ, कोई दिक्कत क्या है सर? से बैग लगेज अच्छा, बस ठीक, ओके जाओ। ओके सर, थैंक यू। अरे उन्हें लगा भाई मेरी जेब पे चेक हो रही है। वो कह रही कि वो मैडम बना रही वीडियो, तुम भी बनाई हो। हम लोग जी, वी जस्ट टुक आवर फर्स्ट ब्रेक, एंड द थिंग इज गाइस, भूख लग रही थी तो हम लोगों ने पराठे और चाय और लस्सी ऑर्डर करा गाइस। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा था, और आज दुष्यंत घर के राजमा चावल लेकर के आया था, मैंने से कहा था मलाई बनते, मलाई लेकर के नहीं आया, अभी मम्मी को फोन करा है, घर जाकर के मलाई मिलेगी मस्त वाली। भैया मम्मी ना पता कब वेट करके 3 बजे गई है भैया, सुबह से आप लोग नोटिस हो गए, मम्मी नाराज हो गई है। वो चीजें हमसे पॉसिबल नहीं हो सकती, एक इवेंट पे टाइम पे पहुंचना और एक सुबह जल्दी उठना गाइस। फिलहाल अभी गाइस पराठे पराठे खाते हैं, मस्त पेट भरते हैं। लेकिन गाइस वो चेक करो सुपरा, देखो क्या मस्त लग रही है भाई साहब, क्या रोड रिएक्शन है, हर कोई बंदा फोटो करवा करके जा रहा है। And this is what I wanted, कि सुपर ऐसी बन जाए कि रोड पे क्रेजी रोड रिएक्शन आए गाइस। तो यार हम लोग ना भर पेट खाना खा करके निकले ही थे, और चेक दिस आउट, आई गेस यहाँ पर ना एक एक्सीडेंट हुआ है, बेचारी वो कार ना कहाँ कहाँ घुसी अंदर, ये चेक करो गाइस क्या हो रखा है भाई साहब, भयंकर ही, देखा तुमने गाड़ी का हाल क्या रखा है। एंड दिस इज द ओनली रीजन गाइस, हम लोग अपनी सुपरा को ना बहुत आराम से चलाने की कोशिश करते हैं, हम नहीं चाहते कि कहीं पर कुछ भी हल्का फुल्का कुछ भी सीन हो। पता क्या रहता है, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आपको सुपरा दिखे ना, हाईवे पे कहीं मत पीछा पूछा करना, आगे आराम से कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, बट मैं हाईवे पे तो बिल्कुल नहीं रुक सकता, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, हम हाईवे पे कहीं नहीं रुकेंगे, बिकॉज यू अंडरस्टैंड सिक्योरिटी रीजंस टू। और बात जो मैं इस व्लॉग में ना बात करने की सोच रहा था कब से, आजकल मैं इंस्टाग्राम पे ना एक चीज देख रहा हूँ जो की बहुत भयंकर वायरल हो रही है, कोई भी रील बना दे रहा है कि मैंने विराट कोहली को बोला कि भाई मैं तुझसे ज्यादा फेमस हूँ, मैं तुझसे ज्यादा कमाता हूँ, मैंने महेंद्र सिंह धोनी सर को ये बोल दिया कि भाई मेरी फैन फॉलोइंग आपसे ज्यादा है, वो आपको बर्बाद कर देंगे, और ऐसी रील इंस्टाग्राम पे चल भी रही है, और उस रील पे कमेंट आ रहा है कि भाई एमएस धोनी का पावर दिखा दो, बाबू भैया की ब्रो सेना से ज्यादा। गाइस एक ऑनेस्ट चीज बात करना चाहूंगा, जो ये ऐसी रीले फर्जी रीले बना करके डालते हैं ना कि मैंने अब उसको पोक कर दिया, उसको पोक कर दिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ना कभी किसी का नाम भी नहीं लिया होगा। और लोग क्या करते हैं, पूरे व्लॉग्स में से ना एक छोटी छोटी क्लिप निकालते हैं, उसका कुछ और मतलब निकाल देते हैं और उसको कहीं और जोड़ देते हैं, और जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं उस रील में ना, वो इतने इमेच्योर लोग होते हैं, मेरे को तो कमेंट सेक्शन में हंसी आ रही होती है पढ़ करके कि भाई मैंने एमएस धोनी सर को चैलेंज करा और लोगों ने मान भी लिया। तो
मैंने विराट कोहली भाई को बोल दिया कि मेरी फैन फॉलोइंग और मैं आपसे ज्यादा अमीर हूँ, मेरा बाइक का कलेक्शन ज्यादा है। कोई समझ में आ रहा है? दे आर लेजेंड्स, वो पूरा इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा पूरा बचपन उन लोगों को देखते हुए बड़ा हुआ है। तो जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, हाँ मुझे पता है लोग व्यूज के लिए सब चीजें करते कि मैंने आज उसको पोक कर दिया, मैंने उसका नाम ले लिया, बट थोड़ी ऐसी चीज तो बनाओ जो सच भी हो, इतना भी फेक क्या कर रहे हो। अब इस ब्लॉग के बाद रितिका ये वाला सेगमेंट बन जाएगा, मैंने नरेंद्र मोदी जी को बोल दिया कि मैं इलेक्शन में आपसे जीत जाऊंगा। कुछ सेंस बनता है इस चीज का। ओके बॉयज, पहुंच चुके हैं हम लोग टनल के अंदर, एंड द थिंग इज टनल के अंदर खींचने में जो मजा आता है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था क्या मजा आता है। चेक दिस आउट गाइस, जी पहुंच चुके गाइस हम लोग अपने शहर में देहरादून। इतनी खुशी लगती है ना गाइस, फिलहाल अभी हम लोग जा रहे घर गाइस, बिकॉज सुपरा को पार्क करना है सेफली। रास्ते में प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, रात को गाड़ी नहीं रुकेगी। अभी पीछे भी ना इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था भाई, वो लड़के ना हाईलेक्स के नीचे आते आते बचे, हाईलेक्स के कैमरे में शायद रिकॉर्ड हुआ हो। एंड इवन मैं ना सुपरा में आगे और पीछे दोनों जगह कैमरा इंस्टॉल कराने वाला हूँ, बिकॉज रास्ते में इतने सारे गाड़ी वाले चलते हैं ना अनसेंट। वो तो शुक्र है कि हाईलेक्स में ना सब कुछ रिकॉर्ड होता है, अगले दिन कुछ हो गया तो वी विल हैव अ प्रूफ कि भाई हमारी गलती नहीं थी। रात के बज रहे हैं 10 एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके गाइस अपनी पार्किंग में। इन पीछे बीते दिन ना हम लोगों ने सीसीटीवी लगा दिए गाइस, एक उधर और दो पीछे, तो पूरी पार्किंग मॉनिटर्ड है। एंड इसीलिए गाइस मैं अब सुपरा को यहाँ पर पार्क कर सकता हूँ, बिकॉज घर में बाकी गाड़ियों की भी पार्किंग है। फटाफट अपनी सुपरा को पार्क करते हैं। ओके गाइस, हम लोगों ने अपनी सुपरा पार्क कर दिया अंदर, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे फ्लैट। मैं मम्मी को नहीं उठा रहा हूँ, बिकॉज बहुत रात हो चुकी है यार, घर जाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी, मम्मी भी उठेगी। फिलहाल सुबह ना मेरी फ्लाइट है गाइस, अभी हर्ष आ रहा है, हर्ष से भी मिलाते हैं आपको इतने दिन बाद। क्या हाल है? बढ़िया। आपको अजमेर क्यों बनावा? हमारे घर बजकर आया था बोलते। हां हां, ऋतिका से फैशन कॉपी कर रहा हूं ना मैं। हां मम्मी, जस्ट अभी मम्मी पहुंच गया मैं। बीबी चलो मोमो खाने चलो बीबी। इसकी मम्मी को कॉल आ रखा था गाइस। क्या हाल है? बढ़िया। हाँ बढ़िया। सुपरा तो दिखानी नहीं है ना, है ना? मैं तो नजर लगा दूंगा। तुझे पता है कितने लोगों से बचा करके लेके आए हम लोग सुपरा को। फटाफट चलो फ्लैट चलते हैं, फिर मजे करेंगे। वैसे भी हम पे 6 घंटे हैं, क्योंकि कल सुबह हम लोगों को बॉम्बे निकलना है भाई। तूने बताया नहीं बॉम्बे? तेरे भाई को ना अवार्ड मिल रहा है कल सुबह। बढ़िया भाई, आज सुबह मतलब गाइस। फिलहाल के लिए चलते हैं फ्लैट। छोटा वर्ड है बड़ा वर्ड है? तेरी हाइट जितना। तो छोटा वर्ड, तुझे छोटा वर्ड मिल रहा है? अरे इनसे तो मिल लो, अपनी बहनी से। हाँ भाई बड़े लोग है भाई। अपने फ्लैट में। इट्स ऑलरेडी 3:30, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है गाइस। सब लोग सो चुके हैं गाइस, भव्या भी सो चुकी है उधर, दुष्यंत भी उधर, हर्ष भी उधर, सतीश जी भी सो चुके गाइस, हम भी जा रहे सोने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस।